हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत अभिनंदन। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और फिर उसके अगले दिन एक और दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 11 विधायकों का टिकट काटा गया है। ये कहा गया था कि कुछ विधायक जो हैं उनके प्रदर्शन से जनता खुश नहीं है और कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में बीजेपी के खेमे में बगावत भी दिखने लगी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा रूठों को मना लेंगे। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने से बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, धमकी दी कि मैं गुरुवार को और कड़ा फैसला लूंगा और शुक्रवार को अपना काम शुरू कर दूंगा। उनके इस्तीफे पर कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डी के शिव कुमार ने कहा कि वो सवादी के संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं सवादी जो है हो सकता है कि कांग्रेस के खेमे में चले जाए नाराज होकर। इसी तरह से राज्य के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर के तेवर भी बगावती दिख रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें खुद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने के लिए कहा था, जैसे कि ईश्वरप्पा के मामले में हमने देखा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ऐसा करने से। वो चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने बुधवार को देर शाम नड्डा से भी मुलाकात की है और ये कहा गया है कि शेट्टर की अपील पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा। येदुरप्पा ने भी जोर दिया है कि 99% यानी 99% जो है जगदीश शेट्टर को टिकट दिया जा रहा है। हालांकि दो लिस्ट आ चुकी है और इसमें जगदीश शेट्टर का नाम नहीं है। टिकट लिस्ट जारी करते समय मीडिया के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि पार्टी शेट्टर को मना लेगी। एक दिन पहले ही बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी और इसमें सिर्फ 8 महिला उम्मीदवार हैं। इनके बाद अब सिर्फ 35 नामों का ऐलान होना बाकी रह गया था, जिनमें से 23 नामों का ऐलान कर दिया गया है। सीएम बोम्मई ने कहा है कि दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बीएस येदियुरप्पा, जिस पर भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी की, उन्होंने ये दावा किया है कि 189 सीट जो पहली लिस्ट थी उसमें से 125 से 130 सीटें तो बीजेपी जीत रही है। हम टिकट के अनाउंसमेंट से खुश हैं और कर्नाटक में फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत करते हैं उनका। मुझे लगता है कि अभी तक उनका संपर्क हमारे साथ नहीं हो पाया है, लेकिन एक फिगर्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक का ये जो दंगल सच चुका है मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, इसमें बीजेपी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है और अब जो बगावत हो रहे हैं, वो किस तरह से स्थिति कर्नाटक में चुनाव की जो बनाते हैं और जो सियासी दाव बिछा हुआ है, जो मैदान चल रहा है चुनावी लड़ाई का, वो क्या कहता है। तो बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन बुधवार शाम को और भी नाम ऐलान कर दिए गए हैं और 52 पहली लिस्ट में 52 नए नाम हैं और पहली लिस्ट में नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में 9 डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड IAS IPS, 31 पोस्ट ग्रेजुएट और 8 महिलाओं को टिकट मिला है। मुख्यमंत्री बोम्मई शिगगांव सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और 11 बीजेपी विधायकों का टिकट कटा है। वो कलिंगा और लिंगायत के वोटों पर सबसे ज़्यादा खींचतान बनी हुई है। ये वो समुदाय कहा जाता है जो कि वोटर्स के रूप में सबसे अहम माने जाते हैं। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जनसंख्या 6.11 करोड़ है और सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है 5.13 करोड़, यानी कि 84% है। इसके बाद मुस्लिम्स हैं जिनकी आबादी 79 लाख यानी कि 12.91% बताई गई है। ईसाई यहाँ पर 11 लाख यानी कि लगभग 1.87% हैं और जैन आबादी भी है 4 लाख यानी कि 0.72%। लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है, आबादी करीब 17%। दूसरा सबसे बड़ा समुदाय वो कलिंगा है, इनकी आबादी 14% है। एक कुरुबा जाति की आबादी है यहाँ पर 8% और SC 17%, ST 7% है। लिंगायत समाज जिससे कि BS येदियुरप्पा भी आते हैं और वर्तमान बीजेपी के मुख्यमंत्री
बसवराज बोम्मई भी आते हैं, वो लिंगायत समाज से हैं और इसे कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। तो ये कुछ हमने आपके सामने कर्नाटक के तथ्य पेश किए हैं, मुद्दों की हमने अभी बात नहीं की है, लेकिन हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल जुड़ चुका है उनके साथ हम मुद्दे क्या हैं कर्नाटक में चुनावों के, वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे और परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की अब परिस्थिति क्या दिखती है जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, और कांग्रेस की स्थिति क्या दिखती है जिसने पहले ही अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी थी। और आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है सुनील शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ है प्रोफेसर गुरमीत सिंह जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर गुरमीत सिंह आपका भी स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में सुनील शुक्ला जी आपसे करना चाहूँगी कि बीजेपी की बगावत की चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले से लग रहा था कि समय लग रहा है बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी करने में, तो कहीं ना कहीं ये समय उन बगावत को कंट्रोल नियंत्रित करने की कोशिश है जो कि पार्टी में पहले से ही दिख रही थी, और अब जगदीश शेट्टर को मनाने की कोशिश लेकिन लग रहा है कि वो मानने वाले नहीं है। आप पूरी परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं, खास करके जब बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है? धन्यवाद नेहा जी। ये तो अगर 51 नए चेहरे आएंगे पहले ही लिस्ट में तो स्वाभाविक से था कि इस तरह के विद्रोह की स्थिति बनती, और जगदीश शेट्टर साहब जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, और जब कर्नाटक में बीजेपी की इतनी ताकत नहीं थी तब भी पार्टी का झंडा लेकर चलने वालों लोगों में से शामिल थे, तो अगर ऐसे लोगों का भी टिकट बिना उनको विश्वास में लिए काटा जाएगा तो यह स्थिति आनी थी। दूसरी चीज ये भी ये है कि जो बड़े पैमाने पर दलबदलों को टिकट दिया गया है, माने कि जो 2019 में जो लोग जेडीएस और कांग्रेस छोड़ करके आए थे उनमें से अधिकांश को कांग्रेस बीजेपी ने टिकट दिया है, तो ये अंदाजा था बीजेपी को कि ये हालात बन सकते हैं। दूसरी चीज कि वहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री बोम्मई साहब और येदियुरप्पा साहब, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, ये दोनों अपने अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं वहाँ जी। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी इन दोनों नेताओं का वो तालमेल नहीं है जो होना चाहिए था, और गोया की पूरी पार्टी इस समय निर्भर हो गई है सम्मानित प्रधानमंत्री जी के कैंपेनिंग के ऊपर, तो स्थानीय लोगों की वो स्थिति नहीं रह गई है, तो विद्रोह तो होना था जी। इसलिए चुनौती भी बीजेपी के सामने ज्यादा है, क्योंकि जो इन्होंने चुनाव की घोषणा के पहले आरक्षण में छेड़छाड़ किया, आरक्षण में तब्दीलियां की, लिंगायत और मुकालिका दोनों के आरक्षण में 2-2% बढ़ाया, और मुस्लिमों का घटा दिया, खत्म कर, और अल्पसंख्यकों का खत्म कर दिया, उनको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में रख दिया जी। तो ये उन दोनों समूहों को के बीच में एक संदेश देने की कोशिश थी। हालांकि लिंगायत समाज में एक तरह की नाराजगी है, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रभुत्व, जो वरीयता, जो सम्मान येदियुरप्पा साहब को मिलना चाहिए था वो पार्टी में नहीं मिल रहा है, और इसलिए जब ये बात हो रही थी कि इनके छोटे लड़के का की सीट बदलने की बात हो रही थी कि उनको लड़ाया जाएगा सिद्धारमैया के खिलाफ, तब भी ये तैयार नहीं हुए थे, और उन्होंने एक तरफा बिना केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक की उन्होंने अपने लड़के के लिए टिकट अनाउंस कर दिया था कि हम शिकारीपुर से ही लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय कर्नाटक में बिखरी हुई एक संगठन के रूप में सामने आ रही है, एक ऐसे संगठन के रूप में सामने आ रही है जिसका स्थानीय नेतृत्व में कोई बहुत प्रभावशाली नेता नहीं है और जिसको पार्टी प्रमोट कर रही है। तीसरी चीज की एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है इस सरकार के खिलाफ। 40% भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया था यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने, या उसका दबाव है कि इस रैया को लोगों ने टिकट नहीं दिया, उनको एक तरफा घोषणा करना पड़ा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हालांकि कौन करता है ऐसा, लेकिन उसे कहलवाया गया कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। गोया कि मेरा मानना है कि एक बिखरा हुआ संगठन, एंटी इनकम्बेंसी, और विभिन्न समूहों को मिलाने की जो इनकी कोशिशें हैं उसका उतना सफल ना होना,
तो इसलिए अब ये प्रधानमंत्री जी के चेहरे और इनका जो हिंदुत्व की राजनीति है उस पर ज्यादा बहुत अब कितना सार्थक हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ये जरूर है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ रही है। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कांग्रेस के दोनों नेताओं मैंने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में वो तालमेल नहीं दिखाई पड़ेगा जो दिखना चाहिए, लेकिन इन आरोपों और इन आशंकाओं को दोनों नेताओं ने खारिज किया और अपने उम्मीदवारों की घोषणा में भी इन्होंने एहतियात बरता और तीन चार जगह जो सुनाई पड़ रहा है कि तीन चार जगह विद्रोह की स्थिति है या लोग असंतुष्ट है वहां, अदरवाइज अन्यथा अधिकांश जगहों पर जितने सीटें लोग घोषित कर चुके हैं उन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति ठीक है जी। और ये जो आंकड़े हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, आप देखिए कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते अपने अकेले दम पर कभी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है कर्नाटक किसी भी चुनाव जी। और भारतीय जी माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सुनील सर, और जब लौटेंगे तो आप की बात पूरी सुनेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह भी बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं आंकड़ों की इस जादूगरी को, बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट से क्या प्रतीत होता है और कांग्रेस की जो लिस्ट पहले ही आ चुकी है उससे क्या यहाँ चुनावी समीकरण नजर आते हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आता है, हालांकि बीजेपी में बिखराव नजर आता है और कांग्रेस में एकजुटता दिख रही है, खासकर कर्नाटक जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी हर तरह से बने रहना चाहती है, क्योंकि ये दक्षिण का दरवाजा की तरह बीजेपी के लिए कहा जाता रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक के चुनावी रण में रूठों को क्या बीजेपी मना लेगी। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सुनील सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं प्रोफेसर गुरमीत के पास भी जाऊँ और उनसे समझूँ कि वो किस तरह से देखते हैं कर्नाटक के चुनाव को। जी सुनील सर, एक तथ्य ये भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस का मत प्रतिशत कभी कम नहीं हुआ जी, और जो पिछला चुनाव था जिसमें सिद्धारमैया साहब सत्ता में थे उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भी मैंने सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो ज्यादा था, हालांकि सीटें तो कम मिली लेकिन मत प्रतिशत कांग्रेस का बीजेपी की तुलना में ज्यादा था और कांग्रेस का मत प्रतिशत लोकसभा के चुनाव में भी नहीं गिरा, बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ा है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जो वह जो मत प्रतिशत गिरा है वह जेडीएस का गिरा है। जेडीएस के मतों को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल रही है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जी, मुझे लगता है जी, बात पूरी करें जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कांग्रेस का एक मजबूत ढांचा है, मजबूत संगठन है और स्थानीय नेतृत्व मजबूत है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वहां पे, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे डी शिवकुमार हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष जिले प्रदेश के हों या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सबका जनाधार है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसका पब्लिक कनेक्ट किसी तरह से कम हो। ओबीसी वर्ग में सिद्धारमैया साहब की अच्छी पूछ है और वहां के सम्मानित नेता माने जाते हैं जी। आज भी मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पसंद व्यक्ति सिद्धारमैया ही है, जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में जी। हमारे साथ तो जी प्रोफेसर गुरमीत है, उनसे भी समझ लेते हैं। प्रोफेसर गुरमीत, आपने सुनील सर की बात सुनी और वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो खेमा है वो मजबूत दिखता है और बीजेपी, क्योंकि ज्यादातर वो उम्मीदवार हैं जो दूसरे खेमे से दूसरे दलों से लाए गए हैं और बगावत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और जातीय समीकरण भी नजर आता है, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप किस तरह से आंक रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को और क्या लगता है कि रूठों को बना लिया जाएगा और ये बीजेपी के फेवर में जाएगा। कि पहली बात तो जो उन्होंने तथ्य दिए वो सभी सही है और क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष इस समय कर्नाटक से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो उनके लिए भी एक विशेष उसका महत्व रहेगा। और जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस एक वापसी की उम्मीद कर रही है और हमेशा से उसका एक जनाधार रहा है और अब एक एंटी इनकम, क्योंकि अब जो ये साल है इसमें जो चुनाव होने हैं उनमें देखिए एक साउथ का, तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी
साउथ में और राज्यों में तो सफल हो नहीं पाई अभी तक, अगर हम चार राज्यों की बात करें, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और यहाँ पर ही वो सरकार बना पाए हैं, चाहे जैसे तैसे उन्होंने बनाई हो, बहुत क्लियर मेजोरिटी तो उन्हें नहीं मिली, मुख्यमंत्री भी बार बार बदले, लेकिन फिर भी वो सत्ता का यहाँ पर वो रख चुके हैं। तो कांग्रेस को अब ये उम्मीद भी है कि एंटी इनकमेंसी भी है, बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत तो वैसे भी नहीं थी, तो कांग्रेस यहाँ पर अपने शुरू से कांग्रेस की स्थिति अच्छी मानी जा रही थी। हालांकि देखिए ये जो चुनाव के अब 20-30 दिन है, लगभग 20 दिन आप लगाइएगा, 10 मई को है 25 दिन, तो ये दिन बहुत आगे महत्वपूर्ण होंगे। और जहां तक मोदी जी की बात है, वो तो हर चुनाव, यहाँ तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद का फैसला भी नहीं कर पाई है, जहां पर मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाता है वहां पे भी आखिर में आके मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जाता है कि जो वोट आप मुझे देंगे वो ये समझिए कि आप मुझे देंगे, तो नाराजगी छोड़ दीजिए। तो यही वो यहाँ भी करेंगे। अब उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी वो अलग है, लेकिन आने वाला समय, क्योंकि देखिए 2024 में इलेक्शन है, इसके बाद कांग्रेस के लिए दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर उनको एंटी इनकमेंसी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर राजस्थान में आप देख ही रहे हैं जिस तरह की समस्या है, सचिन पायलट फिर रूट के जो है वो हड़ताल में बैठ गए, और छत्तीसगढ़, दो राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस के गिने चुने तो राज्य हैं, तो कर्नाटक में वापसी उसको उस दृष्टि से भी, अगले चुनाव की दृष्टि से भी बहुत बड़ी ताकत दे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस आई थी, लेकिन आप सब जानते हैं राजनीति आज की जो चलती है उसमें कांग्रेस को संसाधनों की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से हिमाचल से वैसा सपोर्ट नहीं मिल सकता जैसा कर्नाटक से मिल सकता है। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है और उसकी पूरी अलग किस्म की वो है, और यही वजह है कि बहुत, अब तो ये लड़ाई आप देखिए, पहले तो नेताओं की होती थी, अब तो कर्नाटक में तो दूध की लड़ाई हो रही है। अमूल नंदनी भी वहां इशू बन गया है, जो कि बड़ा मजेदार लगा मुझे जब मैंने पहली बार सुना कि अमूल वहां पे दूध बेच रहा है, तो उस पर भी कांग्रेस ये कह रही है कि गुजरात से दूध आ रहा है, लूट रहा है। और फिर लाल मिर्च, एक पुष्पा नाम की मिर्च है, पुष्पा वैसे ही साउथ इंडियन, उसमें एक आजकल गाने की वजह से वो रखा था की वजह से, तो वो लाल मिर्च वहां पर क्योंकि बहुत खपत है। तो ये जब ये स्थिति होती है, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वहां से लूटना चाहते हैं जो कर्नाटक, और राजनीति में कई बार ये बातें जो है वो महत्वपूर्ण भी हो जाती है, एक परसेप्शन बनाने वाली बात होती है, हालांकि बहुत कई बार एक ही देश की बात है, अजीब लगता है। और येदुरप्पा खुद मैदान में नहीं है, लेकिन और जैसे मैंने कहा अभी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई घोषित भी नहीं उन्होंने किया, और अगर हम जेडीएस की बात करें तो वो भी एक फैक्टर है, अभी हम उसकी बात हमने नहीं की, क्योंकि पहले भी अलायंस होते रहे, अगर ऐसी स्थिति होगी कि जहां पर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि जेडीएस और कांग्रेस भी सरकार बीजेपी को बाहर रखने के लिए एक साथ आ सकते हैं, पहले भी आए, आपको मालूम है कर्नाटक में बहुत शुरू शुरू में प्रचार हुआ था विपक्षी एकता का, अभी भी ये संयोग है। कल ही मैं देख रहा था कि नीतीश जी फिर एक सफर पे निकले हैं और उन्होंने कल दिल्ली में कुछ अपनी हलचल बढ़ाई है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कर्नाटक के चुनाव से जुड़े हुए हैं, और जब फाइनल रिजल्ट तो तभी आएगा जब तभी पता लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की जो लड़ाई है, जिसमें चाहे सिद्धारमैया हो, शिवकुमार हो, येदुरप्पा हो, येदुरप्पा मैदान में भले ना हो लेकिन वो एक प्लेयर तो वहां पर है, और फिर कमी हो जो, और आप जानती हैं अगर आप जिन जो आपने जाति के हिसाब से भी बताया था उसकी दृष्टि से तो अलग अलग वर्गों से आते हैं, और जो कर्नाटक के डोमिनेटिंग वर्ग, एक कर्नाटक में ये भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मुस्लिम आबादी भी कर्नाटक में काफी मानी जाती है, काफी है मतलब मानी जाती है, तो उसको भी कांग्रेस उससे कोशिश करेगी कि कांग्रेस का समर्थन हासिल कर पाए। तो अगर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में वापसी कर पाती है, अगर अपने दम पे कर लेती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अगर, अगर वो अलायंस में आती है तो भी विपक्षी उस दृष्टि से वो कर्नाटक एक ताकत देने का काम करेगा, खासतौर पर 24 से पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से एक एग्रेसिव कैंपेनिंग चलती है और जिस तरह का उनका एक स्ट्रेटजी रहती है और जिस तरह का एक वो बुलबुला सा क्रिएट कर देते हैं, वो उसको भी अभी आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो हम बगावत देख रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं हो रही है और बीजेपी में हो रही है या किसी पार्टी में सामने दिखती है, राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे चलती है जी। और पर्दे के पीछे जो चीजें चलती हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और उन पर्दे के पीछे चलने वाली बातों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि उसकी इतने सालों से वो केंद्र में सत्ता में है, तो वो सब फैक्टर्स भी हैं जो जाहिर तौर पे कई बार सामने नहीं आते कि कौन से लोग, क्योंकि अंदर से कई बार तार जुड़े होते हैं और बहुत सारी चीजें।
जी, लेकिन गुरमीत सर मैं आप इसमें जोड़ देना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश हमने यही परिस्थिति देखी थी कि एनकेएन प्रकरण सब आजमाया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी यहाँ पर चुनाव में हार गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने फोन किया एक बागी को कि आप कृपया जो है मान जाइए, लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी को यहाँ पर किरकिरी का सामना करना पड़ा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा उनका गृह राज्य और वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। ये परिस्थिति अगर मैं देखूँ कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उनका भी कर्नाटक में एक जनाधार देखा जाता है और कर्नाटक में कांग्रेस जो है बीजेपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ दिखती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे की बात की जाए तो येदियुरप्पा पर ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है बसवराज बोम्मई के मुकाबले, जो मेरा आकलन मुझे जो ये महसूस होता है। इसके बारे में भी आपसे टिप्पणी जानना चाहूंगी गुरमीत जी, आप इस हिमाचल में तो फर्क ये था कि हिमाचल में बीजेपी सत्ता में थी और वहां पर कभी भी कोई पार्टी रिपीट नहीं कर पाई। और दूसरी बात ये कि ओपीएस जो एंटी इनकम्बेंसी काफी रोल प्ले किया, एक एंटी इनकम्बेंसी देखिए जो वोटों का वो भारतीय जनता पार्टी कहती है, हालांकि जो जीता वही सिकंदर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वहां ये दावे करती है कि जी सीटों का अंतर रह गया लेकिन वोटों का अंतर कुछ भी नहीं है, 35,000 पूरे राज्य में वोटों का अंतर है, नंबर वन। नंबर टू, वहां पर ओपीएस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो अब अन्य राज्यों में भी उभर रहा है और मुझे लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा आएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी अब फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो एनपीएस को रिव्यू कर रही है या कुछ और चीजें, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ फार्मूला ओल्ड पेंशन तो नहीं लाएगी सेंटर, लेकिन कुछ फार्मूला लाएगी क्योंकि ये एक मुद्दा है जो बनने वाला है। तो कर्नाटक में कम से कम मुझे इसकी इस तरह से बात सुनाई नहीं दी। और दूसरा, हिमाचल छोटा राज्य है और हर चुनाव मेरे हिसाब से अलग होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उससे कोई हम पैरेलल ड्रॉ करें, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा राज्य है क्योंकि वहां से देखिए लोकसभा की सीटें भी ज्यादा आती हैं। मैंने बताया वो एक पूरे सदन स्टेट्स के लिए एक मैसेज देने की बात होती है, तो अगर वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर पाएगी तो वो उसके लिए भी एक बड़ी वो होगा, एक बड़ा बूस्ट होगा और कांग्रेस उसमें एक दावा कर सकती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस अभी इसके बाद राजस्थान और गुजरात, अपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव है। तो और जहां तक बड़े नेताओं की बात है, मैंने बताया आपको कि कई चीजें अभी भारतीय जनता पार्टी तो आपको मालूम है जहां गोवा में और कई राज्यों में जहां सीटें कम थी वहां पे भी वो शपथ दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर कर्नाटक में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आई तो फिर वो सब फैक्टर्स रहेंगे। तभी मैंने कहा कई बातें राजनीति एक ब्रेक का इशारा जी, बात पूरी करें फिर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट टॉक में, फिर गुरमीत जी जो बात यहाँ पर जोड़ना चाहते थे वो भी समझेंगे, सुनील शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के खेमे में क्या ये महसूस हुई ज़रूरत कि येदियुरप्पा पर हाईकमान ज़्यादा भरोसा जता रहा है, ना कि वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर, लेकिन कांग्रेस के खेमे में ये परिस्थिति बिल्कुल अलग दिखती है, सब एकजुट दिखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटते हैं। बात फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, लगभग 212 उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की ये उम्मीदवार पार्टी को क्या कर्नाटक में जीत दिला पाएगी। कर्नाटक में मुद्दा भ्रष्टाचार का है, एंटी इनकम्बेंसी का है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश भी लगातार पिछले कुछ सालों से दिखी रही है यहाँ पर कर्नाटक की खास करके बात की जाए। तो हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर गुरमीत, मैं चाहती हूँ कि आप बात आपकी कुछ अधूरी रह गई थी, माफ कीजिएगा कि कमर्शियल ब्रेक की वजह से हमें रुकना पड़ा था, तो मैं चाहती हूँ कि बात आप पहले पूरी करें फिर सुनील सर के पास भी जाएंगे और उनसे कुछ और सवाल है उन पर मैं जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। जी प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं बस रिया जी ये कह रहा था कि राजनीति में कई बार जो चीजें दिखाई देती हैं उससे पीछे, उसके अलावा जो पर्दे के पीछे राजनीति चलती है जिसको जाहिर तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी एडमिट नहीं करती,
वो भी फैक्टर बन जाती हैं। और दूसरा, अगर बहुत स्पष्ट बहुमत ना हो तो असली खेल जो है वो कई बार जो है वो मतगणना के बाद होता है, वो भी बातें। और इस तरह की छवि बन गई है कई राज्यों के उदाहरण से। मैं नहीं कहता कि कर्नाटक में ही होगा और ना ही होना चाहिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करें कि जनता के जो जनादेश है उसको आप अगर अन्य तरीकों से परिवर्तित करते हैं तो वो सही बात नहीं है। और बगावत पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बगावत ही नहीं है, चाहे वो एंटी इनकमेंसी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का इशू हो, या वो पास्ट रिकॉर्ड हो, जैसे अभी शुक्ला सर भी बता रहे थे, वहां इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्नाटक में माहौल ये बना हुआ है आज की स्थिति में कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति। और ये जो 75 बार संभालो घर बार वाला जो भारतीय जनता पार्टी की फार्मूला है, जिसके तहत आप मालूम है कुछ टिकटें काटी गई है, और हालांकि वो अनाउंस खुद करवाते हैं, ऐसे ही धूमल जी से हिमाचल में भी करवाया था कि जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, है ना। तो अभी गुजरात में भी ऐसा हुआ था, विजय रूपाणी से अनाउंसमेंट कराई गई थी गुजरात में भी। तो ये जो ये भी जो है ना, जो 75 पार वाला जो बात है, ये भी अब आजकल राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं, और तो उस दृष्टि से ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हो सकती है जी। पर फिर मैं यही कहूंगा कि जो अगले 20-25 दिन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि माहौल किस तरह से बनता है और कई फैंस सिटर होते हैं वो किस तरफ से जाते हैं, ध्रुवीकरण किस तरह से होता है, सारी चीजें देखनी होंगी आगे आने वाले दिन जी। सुनील सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि चुनाव की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव ही क्यों ना हो, छोटा राज्य है, कर्नाटक तो वैसे भी अहम भूमिका निभा रहा है, और इसे सीधे सीधे लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है इसके नतीजों को। और इसी के नतीजों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे जो अहम राज्य है जो कि लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे, इन पर भी जो है जीत का दारोमदार इन चुनाव के नतीजों से पड़ेगा। तो सुनील सर, आप किस तरह से देख रहे हैं वर्तमान में जो मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी या फिर बसवराज बनाम येदियुरप्पा, या फिर जब मैं जेडीएस की बात करना चाहूंगी कि जेडीएस का जो जनाधार पहले से कम हुआ है लेकिन किंग मेकर की भूमिका में ये लगातार दिखती रही है। सुनील सर, जेडीएस का अपना जनाधार है अपने इलाके में और उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वहां भी आपसी झगड़े हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही है। कर्नाटक में अच्छी बात है कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से इस राज्य मजबूत है, संसाधनों की भी उसके पास वो कमी नहीं है जी। और नेतृत्व भी इनका मजबूत है, वहां इंडियन कंपनसी जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए में की स्थिति में है। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी के साथ समस्या केवल एक आती है, इन दक्षिण राज्यों में वहां वह संवाद नहीं हो पाता उनका लोगों के साथ जो अन्य हिंदी राज्यों में, इसलिए असर तो पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन जो वह हिंदी राज्यों में जितना व्यापक असर पड़ता है उनका, वह उस दक्षिण के राज्यों में नहीं हो पाता, जहां तक मेरी समझ। तो स्थानीय मुद्दे प्रभावी होंगे और स्थानीय मुद्दों में कांग्रेस लड़ रही है मजबूती के साथ और उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन सुनील सर, मैं ये भी हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है और मुकाबला अच्छा मुकाबला कहा जा रहा है कि प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसे मुकाबले में बीजेपी जो है दाव खेल जाती है और बेशक बहुमत के करीब हो या उससे पीछे हो या फिर किसी पार्टी से पीछे हो, लेकिन सत्ता में काबिज होने में वो कामयाब हो जाती है। पिछले चुनाव की अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो इससे किस तरह से जोड़कर देख रहे हैं आप? मुझे लगता है सुनील सर अभी है नहीं हमारे साथ। तो गुरमीत जी, आप, मैं समझना चाहूंगी कि वर्तमान में जो कर्नाटक की परिस्थितियां बनी हुई है, जैसे आपने अमूल दूध और वर्सेस नंदिनी का जो जोड़ा यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये स्थानीय जो राज्य की छवि है, पहचान है, उसको भी चुनौती देते हुए ऐसा इस मुद्दे को ऐसा बनाया गया है कि ये राज्य की जो पहचान है, राज्य की जो समृद्धि है, उसको ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, गुजरात मॉडल को यहाँ पर लाए जाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि लोकल लेवल पे उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में, जैसे अब आपने देखा कि बगावत हो रही है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्लियर नहीं है जी, है ना। तो और मुजरा प्रधानमंत्री जो है उन्हीं की इमेज को ज्यादा बनाया जाएगा, तो क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो दो ताकतवर लोग माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो दोनों ही गुजरात से आते हैं, और ये जो ब्रांड है ये बाई चांस गुजरात से, और वो मिर्ची भी जो है वो
गुजरात की उसकी चर्चा हो रही है, तो वो कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहेगी इस समय कांग्रेस। और जैसे हमने पहले भी बात की कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद पहली बार वहां पर चुनाव हो रहा है, और यहाँ तक कि प्रभारी भी जो है वो राहुल गांधी के जो विश्वस्त सलाहकार थे, जो पहले प्रचार देखते थे, उनको काफी समय से वहां सक्रिय है, अपना दिल्ली की भूमिका छोड़ के रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं वो कांग्रेस के वहां प्रभारी है, और बाकी जैसे डीके शिवकुमार तो हैं वहां पर शुरू से एक चर्चित चेहरा है, हालांकि मुख्यमंत्री पद का दावेदार सिद्धारमैया को माना जाता है और जातिगत समीकरणों के दृष्टिगत भी, लेकिन उस दृष्टि से कांग्रेस वहां पर मजबूत तो दिखती है, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल मुकाबला है, जेडीएस जो है वो वहां पर एक प्लेयर है, जैसे अब हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में जो है आम आदमी पार्टी ने थर्ड प्लेयर बनने की कोशिश की थी लेकिन वो कुछ बन नहीं पाई, बहुत सारे लोग उस समय ये कह भी रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो बीजेपी को भी फायदा हो जाएगा क्योंकि विपक्ष का वोट पड़ जाएगा, यहाँ पर विपक्ष का वोट, तभी मैंने कहा हर चुनाव अपनी दृष्टि से अलग होता है और रोचक होता है, और भविष्यवाणी तो चुनाव में करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये तो कई बार आपको जीती हुई बाजी भी आप पलट जाते हैं और कई बार आप हारी हुई बाजी एकदम से जीत जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, आपको मालूम होगा 75 बार का नारा दे रहे थे हरियाणा में 2019 में और बहुत मुश्किल से जाके सरकार बची थी, तो ये जो राजनीति है ये कब किस तरफ पलटा खाती है उसका कोई पता नहीं, और ये कहना मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई और सरकार बनने ही नहीं देगी देश में, ऐसा भी नहीं कह सकते, चाहे जितना भी साम दाम दंड भेद हो, जो राजनीति में अगर क्लियर कट मैंडेट आ गया तो जाहिर सी बात है कि सरकार बनेगी, जैसे हिमाचल में भी बनी है जी। तो और जो समीकरण है वो दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर मुकाबला है, तिकोना मुकाबला है, ये भी जैसे अभी आपने कहा कि हो सकता है, ये कहा भी जा रहा है कि अगर क्लियर बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस की सीटें भले ज्यादा हो मुख्यमंत्री बनने में फिर कुमार स्वामी जो है वो सफल हो जाएंगे, एच डी देवगौड़ा क्योंकि वहां आप जानते हैं प्रमुख नेता उनके जो बेटे, तो इसलिए देखना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन जाहिर इसमें जो तथ्यों के हिसाब से या जो अब तक का माहौल है उसकी दृष्टि से हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस वहां पर अपने लिए एक अवसर देख रही है इस पर। लेकिन जो गुजरात मॉडल की मैंने बात कही है कि एक ये इस तरह से भी लड़ाई जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये गुजरात मॉडल बनाम कर्नाटक मॉडल जो है इसे परोसने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है कि कर्नाटक में इसकी स्वीकार्यता होगी, क्योंकि अमूल बनाम और नंदिनी दूध का जो मसला बन गया है वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है राज्य है उसकी पहचान की भी बात हो रही है, और मुझे लगता है कि एक गुस्सा हमेशा दिखता रहा है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की हार हुई हो वहां पर गुजरात मॉडल को अपनाने में, कि जो राज्य पहले से ही संपन्न है पहले से ही समृद्ध है वो गुजरात मॉडल को नहीं लागू होने देना चाहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि देखिए मोदी जी ने तो खुद ये राजनीति की और लगातार जीतते रहे, गुजराती अस्मिता की बात करते रहे, अभी भी उन्होंने करी चुनाव में भी आपको याद होगा जी, अभी भी जो सारा राहुल गांधी जी के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हुई है उसके पीछे भी वही एक वजह रही है कि उन्होंने पूरी उस जाति को ये कहा या वो कहा, तो वो काउंटर भी फिर उधर से होता ही है, जैसे मैंने बताया कि एक जो अमूल वर्सेस नंदिनी का जो विवाद वहां पे चला हुआ है तो उसमें ये बात कही जाएगी, और कर्नाटक जैसे आपने कहा पहले कि कर्नाटक भी एक समृद्ध राज्य माना जाता है, और तो वो दूसरे राज्य से ज्यादा जैसे मैंने बताया ना कि वो एक काउंटर करने की बात होती है, हालांकि मैं देखो अगर आप खुद भी सोचे तो अगर हम उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो जितने ज्यादा विकल्प मार्केट में मौजूद हो प्रतिस्पर्धा तो हमेशा गुणवत्ता को बढ़ाती है और उपभोक्ता के लिए बेहतर स्थिति पैदा करती है, और अमूल तो भारत के पूरे भारतवर्ष के लिए सहकारी आंदोलन का एक बहुत ही गर्व का विषय हो चाहे किसी राज्य से जी। पर जब राजनीति होती है तो उसमें इस तरह के विषय चल पड़ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो लोगों के बीच में असर भी कर जाते हैं और उसका काउंटर करने में भाषा भी एक दिक्कत हो सकती है, जैसे अभी शुक्ला जी बता रहे थे क्योंकि अनुवादक तो खड़ा करते हैं आपने देखा होगा कई जगह, और दो चार सेंटेंस भी मोदी जी हमेशा उस भाषा के बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस तरह का प्रवाह जब अनुवादक बीच में खड़ा होता है तो नहीं आ पाता है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी बने हुए हैं, उनसे भी कुछ सवालों के जवाब ले लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम कर्नाटक की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 10 मई को मतदान किया जाएगा और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे और सभी दल जो है लगभग उनकी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि उम्मीदवार कौन कौन से मैदान में उतारे गए हैं और कुछ बगावत जो है बीजेपी के खेमे में नजर आती है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला बने हुए हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सुनील सर, मैं जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेरे ख्याल से लगभग 18 दिनों तक कर्नाटक में रहे थे और जनसभा को संबोधित किया था, काफी प्रभावशाली ये जनसभाएं कही गई थी। क्या इसका असर आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में जो मुद्दे हैं या फिर जो कांग्रेस को बहुमत की बात कही जा रही है ओपिनियन पोल के जरिए, आपको दिखता है कि ये प्रभाव होगा कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का? मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और कर्नाटक की बंगाली सरकार के ऊपर गंभीर हमले किए थे जी। उन्हीं मुद्दों की चर्चा की थी जो कर्नाटक में चर्चा में थे और लोग उससे त्रस्त थे। तो सरकार के कामकाज को लेकर के जो उन्होंने बातें उठाई, भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से मिलने की कोशिश की, जुड़ने की कोशिश की, मुझे लगता है कि उसका असर पड़ना चाहिए। एक ये भारत जोड़ो यात्रा का लाभ इसलिए भी कर्नाटक में कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास एक मजबूत संगठन कर्नाटक में है जी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा और विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने बनाए रखा और जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जीवंत रखा। तो मुझे लगता है कि जो एक माहौल कांग्रेस नई सरकार के खिलाफ बनाया है उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। ये गवर्नेंस के मुद्दे पर लेकर के और जो एंटी इनकम्बेंसी की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा। और राहुल गांधी ने जो मुद्दों को उठाया वो मुद्दे चूंकि चर्चा में है, वो मुद्दे खत्म नहीं हो पाए और वो उसके पीछे कांग्रेस का संगठन ही था। देखिए, नंदिनी और अमूल का मुद्दा केवल दो ब्रांड का मुद्दा नहीं है, यह मामला यह है कि कर्नाटक के किसानों के सशक्तिकरण का विषय है। अगर अमूल वहां आता है तो जो सहकारी समितियां हैं कर्नाटक किसानों की उसके ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि अगर आप स्थानीय स्तर पर सहकारिता के माध्यम से किसानों को जो सशक्तिकरण का प्रयास मंत्री के माध्यम से कर्नाटक में किया गया है अगर उस पर चोट पहुंचेगी तो उसका रिएक्शन होगा। दूसरी चीज की कर्नाटक में नंदिनी के दुग्ध उत्पादकों की कीमत और अमूल के दुग्ध उत्पादकों की कीमत बहुत अंतर है जी, जी, तो समान उपभोक्ता भी प्रभावित होता है और किसान तो प्रभावित होता ही होता है, जो दुग्ध उत्पादक किसान वो भी प्रभावित होता है जी। एक और मामला आ गया है कर्नाटक में, वो आ गया है कि गुजरात से ही लाल मिर्च बड़ी तादाद में डंप हुआ है, जबकि लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। तो वहां के किसानों के भी लग रहा है कि जो गुजरात के किसान है वह उनके हक को मार रहे हैं, उनके हक को छीन, उनके उत्पाद के बजाय सरकार गुजरात के किसानों से उत्पाद मंगा करके बेचने का प्रयास कर रही है। तो इसका भी रिएक्शन सवाल है। देखिए, हमेशा सशक्तिकरण का मुद्दा भावनाओं के ऊपर हावी होता है जी। अगर आप उनके सशक्तिकरण उनके ताकत पे आप चोट करेंगे तो मेरा ये मानना है कि उसका असर पड़ेगा, उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो नंदिनी का मुद्दा वही है कि किसानों के हितों पर उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश है, ये उनको लग रहा है। उसी तरह से लाल मिर्च के उत्पादक किसानों को भी लग रहा है कि हमको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस ने इसको खूब हवा दिया, जबरदस्त तरीके से हवा दिया जी। तो समाज के सभी वर्गों में इसको लेकर रिएक्शन है और सरकार के खिलाफ है जारी जी। मैं संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आप बेंगलुरु हाईटेक जोन जो है, हाईटेक सिटी जो है, उसे किस तरह से देखते हैं जब हम कर्नाटक चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो विचारों में शायद जो है उनकी मुखरता है और वो आधुनिक विचारों के भी कहे जा सकते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, बेंगलोर तो जो शहरी इलाके हैं वो तो बीजेपी का गढ़ ही है। सवाल है कि बीजेपी जिन जिन चीजों को लेकर शुरुआत से ही माहौल बना हुआ है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चलती है, उसके हिंदुत्व के एजेंडे हैं, उसका राष्ट्रवाद है, उसका ऐसी चीजें हैं जो शहरी लोगों को अपील करते हैं, उनको आर्थिक मुद्दे उतने अपील नहीं करते जो ग्रामीण इलाकों में चाहे समाज के अन्य लोगों में अपील करते हैं जिनको उनका जिसकी उनको आवश्यकता है जी। समाज का जो कमजोर वर्ग है, वंचित तबका है, उसको लगता है कि उसका सशक्तिकरण होना चाहिए।
उसको लगता है कि उसका हक मिलना चाहिए, उसको ये लगता है कि जो सरकारी संसाधन है उसमें उसका हिस्सा निर्धारित होना चाहिए, इसलिए इन चीजों का असर पड़ता है। अब नंदिनी का दूध खरीदना हो चाहे अमूल का दूध खरीदना, बगलोर के लोगों क्या मतलब, कोई दूध खरीद लेते हैं, लेकिन जो किसान है जो दूध बेच रहा है और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर असर पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये मामला सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर डालता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में उतनी प्रभावित नहीं होती इतना ग्रामीण इलाकों में प्रभावित होती है, हालांकि शहरी इलाकों में प्रभावित होती है। अगर आप देखिए तो दिल्ली में कहां लोग उसको देते हैं विधानसभा के चुनाव में, मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव भले जिता देते हैं तो, लेकिन बंगलोर मुझे लगता है कि बंगलोर के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का असर रहेगा, लेकिन कांग्रेस को खारिज भी नहीं किया जा सकता, चुनाव कांग्रेस ही रहेगी, लेकिन शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का एज मतलब आगे दिखेगी जरा मानना है। जी प्रोफेसर गुरमीत, यही प्रश्न मेरा आपसे है कि आप बेंगलुरु हाईटेक जोन को किस तरह से देखते हैं, और यहाँ पर मुझे ये भी महसूस होता है कि हिमाचल में भी बीजेपी के बिखराव को एक प्रमुख वजह माना गया था चुनाव में मिली हार को, तो ये दोनों सवाल पर मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में बताएं क्योंकि समय अब हम आगे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो 224 सीटें हैं उसमें से बेंगलोर में कितनी सीटें होंगी, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है वो सीटें और नंबर से हिसाब से तय होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में या बड़े शहर अपने आप में कोई भूमिका निभा पाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाईटेक सिटी है तो जाहिर सी बात है एक पढ़ा लिखा वर्ग आता है वहां पर, और ये पढ़ा लिखा वर्ग किस तरह से सोचता है, ध्रुवीकरण के प्रति किस तरह से सोचता है, भ्रष्टाचार के प्रति किस तरह से सोचता है, और अमूल वर्सेस नंदिनी है या फिर क्षेत्रीय राजनीति या फिर गुजरात मॉडल वर्सेस कर्नाटक मॉडल पर किस तरह से सोचता है, ये काफी जो है मायने रखता है। मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का जो समझ होता है ना, समझ से उतना ताल्लुक नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो उतने हाईटेक का, पहली बात तो अब वो वाला अंतर कम होता जा रहा है, हाईटेक लोग गांव में भी बहुत हैं, ये मत सोचिए कि बेंगलोर में होंगे, और जो उनकी राजनीतिक समझ है वो ज्यादा तगड़ी होती है और जानते हैं सारी चीजों को। और जो बगावत की बात है हिमाचल में कांग्रेस में भी, मैंने पहले भी कहा कि एक फार्मूला नहीं होता है, कई फार्मूले होते हैं राजनीति में, कई सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, किस्मत भी उसमें एक बहुत बड़ा फार्मूला होता है, तो इसलिए क्या आगे होगा मैं तो उसका दावा करना मेरे लिए तो मुश्किल है, लेकिन एक रोचक चुनाव हमें सामने दिख रहा है कर्नाटक का, और वहां पर जो जाहिर सी बात है कि जो 2024 का चुनाव है उससे पहले कई तरह के कई संकेत वहां से हमें मिलने की संभावना रहेगी, तो उस दृष्टि से ये चुनाव बहुत रोचक है और दोनों पार्टियां इसमें अपना जोर लगा रही है, और अब एक महीने के अंदर ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कर्नाटक की जो ताज है वो किसके सिर पर जाएगा। और जो जहां तक ये जो उसकी, अब देखिए जो जगदीश शेट्टर की टिकट काटी है वो तो 75 साल के भी नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी किया था, उनकी एक चौंकाने की है ना, धमाका करने की, सरप्राइज देने की, ये एक भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग तरह से राजनीति चला रही है, वो कब तक कामयाब होती रहेगी, हुई भी है पहले है ना, पूरी पूरी सरकारी बदल दी थी गुजरात में आपको पता है जी, वो मंत्री भी सारे हटा दिए थे, वो एक अलग तरह से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अब सब जगह पर लोग तो कांग्रेस से ही आए हुए हैं, आप आसाम की बात कर लीजिए, अभी कितना चर्चा रही है हेमंत बिस्व शर्मा की गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू के कारण, तो अब कोई वो पार्टी विद अ डिफरेंस वाली बात तो नहीं है, आप पार्टी विद अ डिफरेंस केवल इन्हीं चीजों में है, ये जो सामदाम भेद है जी, उसमें वो कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, कितना जिसे हम कहते हैं रिट्रीव कर पाएंगे अपनी ताकत को, और ये एक विचारधारा की लड़ाई भी है जो कि अभी हमने नीतीश कुमार की और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद देखा कि लोकतंत्र की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो माहौल बना हुआ है, परिस्थितियां हैं वो दर्शाती भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुरमीत सर आपका भी और सुनील शुक्ला सर आपका भी कि आपने इतनी स्पष्टता से कर्नाटक की जो राजनीति है, कर्नाटक में चुनावी बिसात जो है, हमारे दर्शकों को समझने में आसानी की और मदद की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम ये समझ सके कि कर्नाटक में फिलहाल किसका पलड़ा भारी नजर आता है, किसके खेमे की बगावत जो है उसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, और अगर ये बागी मान भी जाते हैं तो क्या इससे बीजेपी चुनाव में जीत पाएगी, क्योंकि मसले बड़े बड़े नजर आते हैं और एक कड़ा मुकाबला भी कहा जा रहा है कि इन पार्टियों के बीच में है, बीजेपी कांग्रेस, और हम तीसरे धड़े को भी नहीं भूल सकते, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें किंग मेकर की भूमिका में हमेशा
अच्छा माना जाता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी। मुझे हर दिन आपके ईमेल का इंतजार रहता है। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।